आप अपना नाम बता दीजिए हमें। सर मेरा नाम श्रीमती आशा देवी है और हमारा होम स्टे का नाम बासा है। ये बासा का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? सर बासा का शब्द ये है कि जो पर्यटक आएगा, जो टूरिस्ट आएगा एक रात रुकने के लिए, दो रात रुकने के लिए, उसका नाम हमने बासा रख दिया। और आप मुझे बता सकते हैं जो ये महिला मंगल दल समूह है इसका नाम क्या है जो यहाँ पे इसको ऑपरेट कर रहे हैं? जी हमारा जो भी 8 महिलाएं हम काम कर रहे हैं, हमें हमारा पहले समूह था उसमें हमने ग्राम संगठन बनाया, ग्राम संगठन का नाम हमारा उन्नति ग्राम संगठन है, उससे हमें ये रोजगार मिल रखा है बस। और एक चीज़ ये है इसमें, ये कितने समय पहले अभी शुरुआत हुआ है इसका बासा का? सर अभी ये 25 जनवरी को शुरू हुआ और इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी तो आ नहीं पाए पर मंत्री जी ने हमारे धन सिंह मंत्री जी ने हमारे जी उस दिन उद्घाटन किया। और अब तक यहाँ पर कितने टूरिस्ट आ चुके हैं? सर अभी अब तक तो 20-25 आ चुके हैं। अभी सब लोगों को आमदनी हो रही है? हाँ ठीक, इसमें तो हमें आमदनी ठीक ही ठीक हो रही है, हमारा रोजगार चल रहा है इसमें। और इसमें आप लोगों ने गढ़वाली व्यंजन भी रखे हुए? हाँ जी, इसमें तो सर हमने गढ़वाली व्यंजन जैसे चैनसा, झंगोरा, झंगोरे की खीर, मंडवे की रोटी, कपिला, ये कड़ी, दाल की पकौड़ी, धपड़ी, आलू मूले की खिचड़ी और पतने की चटनी, इसमें घर के व्यंजन सब हैं, अपने घर के खेत से लाते हैं हम लोग, उसको बनाते हैं यहाँ। जो यहाँ पे पर्यटन आ रहे हैं उनको वो व्यंजन पसंद आ रहे हैं क्या? जी सर हाँ, अभी तक सब लोगों ने तो पसंद किया है। पर आप लोगों का ये कहना है कि सरकार के द्वारा जो रोज़गार दिया गया है वो बहुत अच्छा है? जी सर, हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमें इससे पहले हमें तो पता भी नहीं था, पर सरकार ने हमें ये रोज़गार दिया है तो इसमें हम खुश हैं कि हमें ये रोज़गार मिल रखा है। क्या आप हमें अंदर बासा का दिखा सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है वो? जी सर हाँ। आप यहाँ पर बासा में देख सकते हैं रसोई किस तरीके से बनाई गई है। बिल्कुल ये पारंपरिक शैली में बनाई गई है, जिस तरीके से पहाड़ी पारंपरिक शैली पहले हुआ करती थी उसी तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी काम कर रही हैं और हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजनी देवी है, सबको मेरा नमस्कार। मैं श्रीमती रजनी देवी ग्राम सभा ग्वार खिरसू से हूँ, यहाँ बासा में काम करती हूँ मैं। अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे थे आप लोग कुछ काम कर रहे हैं और अभी मुझे लग रहा है शायद कुछ बनाने की तैयारी भी है, तो आप लोग अभी क्या बनाने वाले हैं? अभी तो हमारे लोग आ रखे हैं ना, ये खाने को बोल रहे हैं, इसके लिए हम अभी रोटी बनाएंगे, मंडवा की रोटी बनाएंगे, चावल बनाएंगे और वो गैस भिजा रखे हमने ना, उनको पीस के हम उनके लिए वो बनाएंगे, खाना बनाएंगे उनके लिए और चटनी बनाएंगे उनके लिए। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप दिखाया गया है तो ये सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं? जी जी हाँ। अच्छा बनाते हैं, ये गुलगुले बना रखे हमने, रोटी बनाते हैं हम, और परसों हमने दाल की पकौड़ी बनाई, रोटी बनाई हमने, अभी रखे हुए थोड़े से वहाँ पे। तो लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं क्या उन्हें यहाँ पर अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, वो तो बोल रहे हैं कितना अच्छा है, हमें पुरानी संस्कृति देखने को मिल रही है, नहीं तो लुप्त होने रही थी, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। पुराना खाना भी मतलब जो हम भूल गए थे, जानते नहीं थे हम, अब पूरा हमें याद पर सुना था, अब खाने को मिल रहा है हमें जी। क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये चूल्हा भी बनाया गया, ये पारंपरिक शैली में बनाया गया है पुरानी उस पे। हाँ ये चूल्हा किसी ने कोई तो बोल रहा है कि हमने पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा चूल्हा, इसका धुआं कहाँ जा रहा है? हमने कहा सर यहाँ से पीछे से चिमनी निकाल रखी है ना, ताकि धुआं हमें यहीं पर बैठा के उन्हें खाना खिलाते हैं कि धुआं उन्हें ना लगे, इसलिए और धुआं पीछे जाता है और हम आराम से उनके सामने खाना बनाते हैं और जो बोलते हैं उसी को बनाते हैं, उनके सामने बनाकर उन्हीं को खिलाते हैं साफ से।
यहाँ पर जैसे लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को भी क्या लग रहा है कि इससे रोजगार में आपकी बढ़ोतरी हुई है? जी हाँ, होगी, बहुत होगी। अभी तो हमें ऐसा है कि हमें बहुत सामान लाना पड़ रहा है ना, अभी हमें बहुत सामान जोड़ना है, जोड़ भी लिया है, पर हमें आजीविका बहुत अच्छी मिल रही है, हमें रोजगार बहुत अच्छा मिल रहा है। हमें तो सरकार बहुत धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने हमारे बारे में सोचा। हम जैसे महिलाओं को हम तो अपने बच्चों के लिए अच्छा सा भविष्य दे सकते हैं उनको इसके जरिए। जी मतलब आपकी आमदनी में इससे काफ़ी आय हुई है, जिस हिसाब से आपको अभी दिख रहा है कि लोग भी यहाँ पर आने लगे हैं और पर्यटकों का काफ़ी आगमन हो रहा है, मतलब यहाँ पे आना, तो उससे आपको संभावनाएं और दिख रही हैं आगे कि आगे भी इस तरीके से आते रहेंगे? जी हाँ, अभी हमारी 21 तारीख की भी बुकिंग आ रखी है और मार्च की भी बुकिंग आ रखी है। हमें फोन आ गया पहले कि हमारे लिए यहाँ बुकिंग रखना, कमरे बुक कर देखे उन्होंने। जी हाँ, आपका हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और हमारी होम स्टे के बारे में जाना और हमारे वो किया, धन्यवाद। देख सकते हैं यहाँ पर भाषा के माध्यम से महिलाओं को रोजगार तो मिला ही है, दूसरा उसमें ये भी है कि यहाँ पर महिला मंगल दल जो समूह है उनके माध्यम से यहाँ पर कई सामान हैं वो बनाए जा रहे हैं। जी सर, हम जो 8 महिलाएं हैं उसमें हम पैकिंग खुद कर लेते हैं, ये मशीन है, मर्च मसाला, हल्दी, ये खुद हम सब लोग पैकिंग कर पाते। इसमें आप लोग क्या क्या चीज़ इसमें बना रहे हैं महिला मंगल दल जो है? इसमें सर हम हल्दी, मर्च मसाला, धनिया ये सब कर लेते हैं, साबुन भी बना रखी है हमने, ये राजमा, वो काली दाल, जख्या, सब अपने आप अपने खेतों से ये पैकिंग कर लेते हैं हम। मैं जिस तरीके से देख पा रहा हूँ ये हिलांस लिखा हुआ है, तो ये हिलांस ये पैकिंग आप पैकिंग में सहायता कर रहा है आपकी? हिलांस एक चिट है ना, ये हिलांस और वो पैकिंग देख रखे है उस हिलांस को, तो उसी हाँ ठीक है, हाँ हाँ वो तो देख लेते हैं। जी आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक स्मार्ट टीवी टाइप का कुछ लगा हुआ है, ये यहाँ पे लोकल बिजनेस को बिल्कुल प्रमोट किया जा रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से काम करने वाला है। दीदी आप हमें बताइए किस तरीके से काम करते हैं? जी सर, ये पहले हम बटन दबाते हैं, ये किरसु के बारे में जो जानना चाहता है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। अभी दीदी ने यहाँ पर एक ये दबाया है जो खाने का जो सिंबल है, तो ये इस तरीके से आवाज आ रही है इस पे। क्या पसंद है आपको? मोमोस खाना, तो भागेश भैया की दुकान जाना। ये दबा के दिखाइए। लोकी बाई की दुकान में जाओ, वहाँ का अंडा फ्राई तुम खाओ, साथ में मुक्की बाई की बढ़िया चाय पियाओ। बिकती है यहाँ A1 हेल्दी, है यह मुक्की भाई की खेती, देखनी हो अगर प्रक्रिया तुम्हें, मुक्की भाई बतलाएंगे तुम्हें। पहाड़ों पर क्रिकेट खेला है कभी? शाम में खेलते हैं फील्ड में सभी, कोई क्रिकेट, कोई फुटबॉल और भी बहुत कुछ, साथ में बैठो और करो गपशप। कंफ्यूजन में हो घूमो कहाँ, बताएगा सब टूरिस्ट सेंटर यहाँ। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्मार्ट तरीके से यहाँ पे किरसू को प्रमोट किया जा रहा है।